हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम आप सभी के बीच एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है शासकीय शालाओं में भरे जाने वाला प्रपत्र, वार्षिक परिणाम सांख्यिकी पत्रक प्राथमिक स्तर, प्रपत्र 8 आ, जिसे हम गोशवारा कहते हैं। साथियों, तो प्राथमिक स्तर के विद्यालय के लिए है, या जो है कक्षा 1 से 5 वार्षिक परिणाम की जानकारी, जब हम परीक्षा फल तैयार करते हैं उसके बाद ये गोशवारा तैयार करते हैं। गोशवारा में चलिए हम इसको देख लेते हैं। हमने अपने विद्यालय का गोशवारा कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों का जो है इस तरह का गोशवारा हमने तैयार किया है। तो इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा। जूम करने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले प्रपत्र 8 यहाँ पर शो हो रहा है, प्रपत्र 8 और शासकीय शालाओं से भरे जाने वाला प्रपत्र वार्षिक परिणाम सांख्यिकी पत्रक प्राथमिक स्तर का। ठीक है साथियों, जिले का नाम, विकास खंड का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, गांव का नाम, शाला स्तर, प्राथमिक स्तर, विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक, ग्राम पंचायत, नगरी निकाय, बसाहट का नाम, शाला का नाम और डायस कोड। इस तरह जो है सबसे पहले सामान्य जानकारी भर लेना है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रपत्र में मूल्यांकन के वास्तविक विद्यार्थी संख्या अंकित करें। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है विवरण कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे विवरण दिया गया है कक्षा 1 में बालक बालिका के नामांकन संख्या क्या है, फिर मूल्यांकन में सम्मिलित कितने हैं, ए ग्रेड में कितने हैं, बी ग्रेड में कितने हैं, सी ग्रेड में कितने हैं, डी ग्रेड में कितने हैं, ई ग्रेड विशेष शिक्षण की आवश्यकता 33% से कम। ओके साथियों, तो यहाँ पे जो है बालक, जैसे हमारे पहली क्लास में बालक 14, बालिका 12, कुल मिलाकर 26 हैं। इसी प्रकार दूसरी क्लास में 8 बालक 8 बालिका, कुल 16। तीसरी क्लास में 4 बालक 4 बालिका, कुल 8। चौथी क्लास में बालक 12 बालिका 10। इसी तरह यहाँ पे मूल्यांकन में सम्मिलित जितना जो है नामांकित बच्चे हैं उतने मूल्यांकन में सम्मिलित हुए हैं। ओके साथियों, अब यहाँ पे ए ग्रेड में कितने हैं, तो जैसे पहली क्लास में बालक 14 हैं, तो ए ग्रेड में जो है इस तरह जो हमने बनाया है, ए ग्रेड में नील है, बी ग्रेड में 1, सी ग्रेड में 7, डी ग्रेड में 6, 7, 6, 13, 1, 14, कुल जो है मूल्यांकन में सम्मिलित हुए 14। और यहाँ पे बालिका जो है 12 है, तो ए ग्रेड में 1, बी ग्रेड में 2 और सी ग्रेड में 9, 9 तो 11, 1, 12, मतलब यहाँ नामांकन और मूल्यांकन सम्मिलित और ग्रेड में जो पास हुए हैं इनका जो है एक मिलान कर लें और मिलान में जो है तीनों का डिटेल एक होना चाहिए। इसी प्रकार जो है कुल में से एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, जैसे बालक 14 बालिका 12, अब इसमें कुल एससी 5 और कुल एसटी 10। अब इसमें देखना है कि एससी में ए ग्रेड में कितने हैं, यहाँ पे एससी में नील है और एसटी में भी नील है, और बी ग्रेड में एससी में 1, सी ग्रेड में 2 और डी ग्रेड में 2, तो 2, 2, 4, 1, 5। इसी प्रकार जो है एसटी में कुल 10 बालक हैं, एससी में कुल 10 बालक बालिका मिला के हैं, तो यहाँ पे बी ग्रेड में 1 और सी ग्रेड में 5 और डी ग्रेड में 4, 5, 4, 9, 1, 10। तो इस प्रकार जो है मतलब ग्रेड की संख्या और नामांकन की संख्या और मूल्यांकन में सम्मिलित तीनों का जोड़ जो है एक ही होना चाहिए, इस तरह मिलान कर लें। इसी प्रकार जो है कक्षा 2 में इस प्रकार दिया गया है, कक्षा 3 में इस प्रकार है, कक्षा 4 में, और कक्षा 5वीं का रिजल्ट अभी ओपन नहीं हुआ है, अभी इसकी जानकारी जो है बाद में हम गोशवारा बना के तैयार करके जमा करेंगे। ओके साथियों, तो इस तरह जो है हम जो है गोशवारा तैयार किए हैं अपने विद्यालय का। तो मैं चाहूँगा ये हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।